हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों कैसे हो आप सभी, आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रागा D10, उसका यूज कैसे करते हैं और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आए हुए थे वीडियो में, तो उसका मैं आंसर करने वाली। आप अगर रागा D10 का डिटेल रिव्यू वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों में दे दूंगी, आप चाहे तो उसे चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो जो इन्फॉर्मेशन मैंने उस वीडियो में दी हुई है मैं उसे दोबारा रिपीट नहीं करूँगी, यहाँ पर मैं आपको कुछ उससे रिलेटेड नए क्वेश्चन के आंसर्स करूँगी। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसे यूज कैसे करना है। सबसे पहले आपको अपना फेस वॉश कर लेना है, उसके बाद कोई भी क्लींजर लेके आपको अपने फेस को बहुत ही अच्छी तरीके से क्लीन कर लेना है, 2 मिनट तक मसाज करके फिर आप वेट वाइप से अपने फेस को पोंछ ले। इससे आपके फेस पर जमे जो थोड़े बहुत डर्ट होंगे वो बहुत ही अच्छी तरीके से क्लीन हो जाएंगे और आपका जो D10 है वो बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क करेगा आपकी स्किन पर। क्लींजिंग मिल्क को आपको अपने पूरे फेस, नेक, ईयर्स सभी जगह बहुत ही अच्छी तरीके से अप्लाई करके 2 से 3 मिनट तक मसाज देना है। उसके बाद वेट वाइप से आप अपने फेस को अच्छी तरीके से पोंछ लें। और ये है रागा का प्रोफेशनल D10 टैन रिमूवल क्रीम विथ कोजिक एंड मिल्क फॉर ए रेडियंट स्किन। जैसा कि ये एक प्रोफेशनल D10 है तो ये मार्केट में मिलने वाले रेगुलर जो D10 होते हैं उससे कहीं गुना बेटर है। ये जो पैक आप देख रहे हैं ये 12 ग्राम का है और ये इतना सफिशियंट होता है कि आप अपने फेस, नेक और ईयर्स पे 2 बार अप्लाई कर सकते हैं। तो इसे मैं पहले अप्लाई कर चुकी हूँ, अब ये बचा हुआ है तो अभी मैं इसे अप्लाई करूँगी। इस क्रीम का जो कलर है वो पर्ल के कलर का होता है, बट आप अगर कोई पैकेट खोल रहे हो और वो पैकेट आपका पूरा ख़त्म नहीं हो रहा है उस टाइम पे और आप उसे सिक्योरली रैप करके रख दे रहे हो कुछ दिन के बाद यूज कर रहे हो, तो उस समय आपको क्रीम के कलर में डिफरेंस दिखेगा। वो कलर थोड़ा सा येलोइश हो जाएगा बट उससे इसके इफ़ेक्टिवनेस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है, वो उतना ही वर्क करता है जैसा कि एक नया पैकेट खोलने पे। तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत और ना ही उस क्रीम का कोई साइड इफ़ेक्ट होता है। इस D10 क्रीम को आप फेस के साथ साथ एक्सटर्नली बॉडी पार्ट्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं। इस D10 क्रीम का यूज मेल फीमेल दोनों ही कर सकते हैं। इस D10 पैक को 15 से 20 मिनट अपने फेस पर अप्लाई करना है, उससे ज़्यादा नहीं। किसी ने मेरे रागा D10 वाले वीडियो पे कमेंट किया था कि टैनिंग अगर बहुत ज़्यादा है तो 45 मिनट्स अपने फेस पर लगाए रखे, लेकिन D10 पैक का ही नहीं, कोई भी पैक हो उसे आपको अपने स्किन पर 15-20 मिनट से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, नहीं तो वो आपके स्किन पर से नेचुरल जो pH बैलेंस होता है और आपके स्किन की जो मॉइस्चर होती है, ज़रूरी मॉइस्चर होती है, वो उसको सोख लेता है। बट अगर आप बॉडी पार्ट्स पे अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे आप 25-30 मिनट्स तक रख सकते हैं। ये जो D10 क्रीम है इसे फेस पे अप्लाई करने के 15-20 मिनट बाद भी ये ड्राई नहीं होगा, ये इसी तरीके से क्रीम टेक्सचर में ही रहेगा। इस D10 पैक को 15-20 मिनट अप्लाई करके रखने के बाद आपको इसे पानी से डायरेक्टली धोना या फिर गीले टॉवल से पोंछना नहीं है, आपको हाथों को गीला करके 2 से 3 मिनट इसे अच्छी तरीके से मसाज दें और उसके बाद किसी वेट टॉवल से आप इसे पोंछ लें। जिन लोगों को ब्लीच करना पसंद नहीं है उनके लिए रागा D10 एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि ब्लीच करने से आपकी जो फेशियल हेयर्स होते हैं वो गोल्डन हो जाते हैं, फेस के कलर के हो जाते हैं, तो बहुत से लोगों को वो पसंद नहीं आता है। तो ये रागा का जो D10 है ये बस आपकी टैनिंग पे वर्क करता है। ये D10 पैक जो है ये ब्लीचिंग के तरह आपके फेशियल हेयर्स को गोल्डन कलर में नहीं बदलता है, इसे रिमूव करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। इस D10 पैक को आपको वीक में एक ही बार यूज करना है, उससे ज़्यादा नहीं। इस D10 को रिमूव करते वक्त जब आप मसाज करेंगे उस टाइम पे आप अपना स्क्रबिंग भी कर सकते हैं, आप अपने पसंद का स्क्रब लेकर इसके साथ ही मसाज कर दें तो आपकी डीटैनिंग भी हो जाएगी और स्क्रबिंग भी हो जाएगी। इस डीटैनिंग को करने के बाद आप फेशियल ले सकते हैं और ऐसा देखा गया है कि रागा का D10 अप्लाई करने के बाद अगर आप फेशियल लेते हो तो जो फेशियल का इफ़ेक्ट है वो दुगना हो जाता है। आप अगर नॉर्मल डीटैनिंग कर रहे हो तो प्रिफर करो कि आप इसे रात में ही करो और इसको करने के बाद आपको फेस पर कुछ भी नहीं अप्लाई करना है,
बहुत लोग सोचते हैं कि डी टैनिंग करके फेस वॉश करके फिर मेकअप कर लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको एटलीस्ट 10 से 12 घंटा फेस पर कुछ भी नहीं लगाना है और 10 से 12 घंटे में आपको अपने स्किन पे बहुत ही अच्छा इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। और एक सजेशन है, जो कोई भी इसे फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं वो एक पैच टेस्ट ले ले, उसके बाद ही इसे यूज करें। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि कुछ लोग यूज कर लेते हैं फिर उन्हें डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल पाता है, फिर वो प्रोडक्ट को ब्लेम करते हैं या फिर मुझे ब्लेम करते हैं, तो ऐसा नहीं है। बहुत बार क्या होता है कि स्किन जो है सबकी एक जैसी नहीं होती है, हर स्किन की जो नीड्स होती है वो अलग होती है, इसलिए उनका जो इफ़ेक्ट है वो भी अलग है। तो आपको वो पहचानना है कि आपकी स्किन टाइप क्या है, आपकी स्किन की नीड क्या है। और आपको अगर ये प्रोडक्ट ट्राई करना है तो ये अभी इसको परचेज करने का सबसे बेस्ट टाइम है, क्योंकि अभी चल रहा है अमेजोन पे सेल और 260-270 में मिलने वाला ये प्रोडक्ट आपको मात्र 175 रुपये में मिल रहा है। तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ज़रूर चेक कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो, होपफुली आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और आप अगर फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूल, बगल के बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगी जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगी। तो मिलते हैं फ्रेंड्स मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।